सो हम जा रहे हैं सूर्या मॉल जो भिलाई में है। हमारा प्लान था और थोड़ा जल्दी निकलने का, पर मौसम ख़राब होने की वजह से, लाइट ऑफ होने की वजह से हम जल्दी नहीं निकल पाए। यहाँ पे मेरे हस्बैंड कपड़ा देख रहे हैं कि कौन सा पहन के जाना है। मेरी बहन है यहाँ पर, मैं फेस वॉश करने जा रही हूँ। आज हम पता नहीं क्या क्या करते हैं। फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है। पे अब मैं ड्रेस डिसाइड कर रही हूँ कि क्या पहन के जाना है। मैं सारा अपना कपड़ा ट्रॉली के अंदर रख ली थी ताकि इधर उधर मत फैले, क्योंकि हम अब कुछ दिन में हैदराबाद चले जाएंगे। तो फेस एकदम रूखा रूखा सा लग रहा है, मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा। देखते हैं लेट्स सी क्या पहनती हूँ, थोड़ा खोजना पड़ेगा। मैं ऐसे ही निकाल के यहाँ पर रखी हूँ, मिलती हूँ आपसे कुछ देर के बाद तैयार होने के बाद। यहाँ पर मैं ड्रेस वगैरह पहन के रेडी हो गई हूँ। यहाँ पर मैं हेयर स्टाइल बना रही हूँ। ये मेरे ड्रेस पे एक थ्रेड लटक रहे हैं। वहाँ पे मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे थे करके मैं यहाँ आ गई हूँ हॉल पे। मैं पफ बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज़ मौसम थोड़ा ख़राब है तो ओपन हेयर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम टू व्हीलर पे जाएंगे, इसी वजह से मैं बना रही हूँ। गजब बेइज्जती है। कब तक रेडी होंगे? झूठ है झूठ भाई, झूठ वाले सच कब तक रेडी होंगे? कब तक रेडी होंगे? यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे तुम कब तक रेडी होगे। मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ, बहुत सिंपल मेकअप था, सिर्फ लिपस्टिक और कुछ क्रीम वगैरह। सब जगह धूल ही धूल है। मैं बस यहाँ पे स्मार्ट बाजार को घूम रही हूँ, यहाँ से हम निकलेंगे
क्योंकि अब हमको जाना है 90s कैफे। सो हम लोग मॉल को तो पूरा नहीं घूमे हैं, पर कुछ वीडियोस बना के कुछ देख के निकल गए हैं। हम शायद फिर वापस आ सकते हैं कल परसों जब भी। अब हम मॉल से निकल रहे हैं बाहर, हम मॉल से निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं 90s कैफे। हम उतने अच्छे से घूम नहीं पाए, पर फिर भी इट्स ओके, और कभी आएंगे तो फिर से जाएंगे, क्योंकि हम टू व्हीलर पे हैं तो हमको थोड़ा जल्दी भी निकलना है। मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा था आज निकलने के टाइम से ही, तो हमको थोड़ा जल्दी घर भी जाना है। सो अब मिलते हैं आपसे 90s कैफे। आ चुके हैं 90s कैफे, ये इसका फ्रंट व्यू है। चैप्टर 2 काफ़ी अच्छा व्यू है, नाइट में बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। भैया, मेरी सिस्टर एंड मेरे हस्बैंड सब जा रहे हैं। ये इसका बहुत ज्यादा रश है आज यहाँ। यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा भूखे हैं तो सब खा रहे हैं, कोई किसी का वेट नहीं कर रहा है। बहुत अच्छे अच्छे डिश हैं, ये मेरे हस्बैंड भी खा रहे हैं। ये था सैंडविच, एग्जैक्ट मुझे नाम तो याद नहीं। और यहाँ पे हमने पाव भाजी का कुछ डिश मंगाया था, जो कि प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। आप देख रहे हो यहाँ पे कैंडल जला रहे हैं, जिससे जिसका भाजी है वो गर्म रहे। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन था, बहुत प्यारा था और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। जो ब्रेड है पाव अच्छा रोस्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें। फिर हम यहाँ पे कैंडल को बुझा दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो गर्म हो रहा था, इसकी वजह से हम उसको बुझा दिए। यहाँ सब खा के लास्ट में थक गए थे, पर फिर भी मन नहीं भरा था। इसके बाद हम एक और डिश मंगाए, मंचूरियन ट्विस्टर। ये है मैंगो शॉट, जो बहुत अच्छा था। ये है जामुन शॉट, ये मेरे हस्बैंड ट्राई कर रहे हैं मैंगो शॉट को। हम सब एक एक बार ट्राई कर रहे हैं, जामुन शॉट ट्राई कर रहे हैं। बहुत अच्छा था, काफ़ी टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा हमको। इस कैफ़े का नाम है 90s कैफ़े, ज़रूर एक बार आप विज़िट करें, बहुत ज़्यादा अच्छा है, भिलाई पे है। अब ये हम खा पी के निकल चुके हैं अपने घर के लिए। बहुत मज़ा आया खाने पीने में भी, फिर भी हमने एक राइस पैक करवाया कि हमको रात में भूख ना लगे। मैं अपना ड्रेस भी चेंज कर ली, ये मेरी सिस्टर इधर बैठी है। प्लीज़ शो योर फेस। यहाँ पे कुछ रीज़न की वजह से वॉइस मुझे म्यूट करना पड़ा। मिलते हैं आपके साथ।